प्रधानमंत्री ने मन की बात की 100वीं कड़ी में अपने विचार किए साझा, छत्तीसगढ़ के देवरगांव की महिलाओं का भी किया जिक्र। राजभवन में मन की बात की रखी गई स्क्रीनिंग, केंद्र की योजनाओं पर आधारित फोटो प्रदर्शनी का हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना, देश के साथ साथ विदेशों में भी सुना गया ये कार्यक्रम। और मौसम में बदलाव से जनजीवन हुआ प्रभावित, बारिश से रबी की फसल को भी पहुंचा नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं सुषमा मिश्रा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम अन्य लोगों के गुणों के से सीखने का एक सशक्त माध्यम बन गया है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने श्रोताओं को बधाई दी और कहा कि मन की बात कार्यक्रम हम सब से जुड़ा है और हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने मन की बात के श्रोताओं का उनके पत्रों और संदेशों के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रेम से वे कई बार भावुक हुए हैं। आज मन की बात का 100वां एपिसोड है। मुझे आप सबकी हजारों चिट्ठियां मिली हैं, लाखों संदेश मिले हैं और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियों को पढ़ पाऊं, देख पाऊं, संदेशों को जरा समझने की कोशिश करूं। आपके पत्र पढ़ते हुए कई बार मैं भावुक हुआ, भावनाओं से भर गया, भावनाओं में बह गया और खुद को फिर संभाल भी लिया। आपने मुझे मन की बात के 100वें एपिसोड पर बधाई दी है, लेकिन मैं सच्चे दिल से कहता हूं, दरअसल बधाई के पात्र तो आप सभी मन की बात के श्रोता हैं, हमारे देशवासी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ है वे नायक हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को जीवंत बनाया है। मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने इनमें से कुछ नायकों से बातचीत भी की और उनकी जारी यात्रा के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व महसूस किया कि देश की नारी शक्ति के सैकड़ों प्रेरक गाथाओं का उल्लेख मन की बात कार्यक्रम में हुआ। उन्होंने छत्तीसगढ़ के देवरगांव की महिलाओं से बातचीत का स्मरण किया। ये महिलाएं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई का अभियान चलाती हैं। स्वयं सहायता समूहों के जरिए गांव के चौराहों, सड़कों और मंदिरों की सफाई के लिए अभियान चलाती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात के माध्यम से अनेक जन आंदोलन शुरू हुए और जिसने गति पकड़ी। उन्होंने खिलौना उद्योग, भारतीय नस्ल के श्वानों के बारे में जानकारी बढ़ाने, हर घर तिरंगा जैसे अभियानों का उदाहरण दिया। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे प्रत्येक उदाहरण समाज में बदलाव लाने का माध्यम बने हैं। मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण के मौके पर राजभवन में भी विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन मुख्य अतिथि थे। स्क्रीनिंग के दौरान प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियां भी मौजूद थी, साथ ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के विशिष्टों को भी इसके लिए आमंत्रित किया गया था। इस अवसर पर केंद्रीय संचार ब्यूरो रायपुर के शैलेश फाय ने बताया कि मन की बात आजादी का अमृत महोत्सव और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पर कार्यक्रम पर एक फोटो प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार रायपुर की ओर से एक अत्यंत आकर्षक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें मन की बात आज़ादी का अमृत महोत्सव और सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इन तीन विषयों को समावेश किया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात के विभिन्न
संबोधनों में छत्तीसगढ़ में जिन प्रतिनिधियों का वर्णन किया है, उल्लेख किया है, उनको भी हम दर्शा रहे हैं इस प्रदर्शनी में। दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए राजभवन में आए अतिथियों ने कहा कि ये कार्यक्रम केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक जरिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लोगों से सीधे जुड़ने का ये एक सशक्त माध्यम है। ये लोगों से जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर तरीका प्रधानमंत्री जी ने निकाला है और इसे आम लोगों तक हर खबर और सरकार से जुड़ करके गरीब तबके के लोग भी ऊपर उठे हुए हैं। हमला बहुत ही अच्छा लगी और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे प्रधानमंत्री ला कि वैसे आगे की लाभ लेते रहे और हमला बतावत रहे ओकर पाँच हम वाला लाभ मिलत रहा है। सब यही चाहते हैं कि मन की बात के माध्यम से देश की उन्नति विकास और किसान मजदूर से लेकर के महिला क्षेत्र में उन्नति कार्य करने के लिए हम सबको प्रेरणा दिया। ये हमारे लिए लगातार प्रेरणादायी रही क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे खेल का हो, महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र, हर क्षेत्र को उन्होंने हर अनचूहे पहलुओं को उन्होंने हमारे देशवासियों के सामने रखा और जिसको देखकर सुनकर हमारी जो भारत की जनता है, विशेषकर हमारी बहनें ज़्यादा प्रेरित हुई। उनकी बात के जरिए प्रधानमंत्री जी सीधे लोगों से संवाद कर पा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि एक साथ इतने सारे रेडियो स्टेशंस, इतने सारे लैंग्वेजेस और उस पे प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही, न सिर्फ अपनी बात कही बल्कि उन अंतिम लोगों को भी इंकरेज किया जो अपने अपने क्षेत्र में छोटा से लेकर के बड़ा तक काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात में जिस प्रकार की संवेदनशीलता का परिचय हुआ है वो अद्भुत है। वो प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों से बात कर रहे हैं जिनको कि मन की बात में उन्होंने जोड़ा है। इस मन की बात में हिमाचल की ऊंचाइयों से लेकर के समुद्र की गहराइयों तक सबका समावेश हुआ है। स्वच्छता से लेकर के स्पेस रिसर्च तक, शिक्षा और अनुसंधान लेकर के सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई हैं। प्रधानमंत्री जी ने आज से एक प्रेरणा से मन की बात बताई है जिसको हमको समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि हर जगह कैसे काम किया जाता है, जैसे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, चाहे स्वच्छता हो, सभी जगह अलग अलग मोटिवेशन सभी को एक प्रेरणा स्रोत हमको मन की बात से बताया जा रहा है, इसे हमें सीखना चाहिए और समझना भी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के देउरगांव के स्व सहायता समूह और रायगढ़ के मिलेट कैफे का भी जिक्र किया था। समूह की अध्यक्ष शांति नेताम और मिलेट कैफे की संचालिका रोहिणी पटनायक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मिला प्रोत्साहन बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला है। 24 अक्टूबर के दिन जब मन की बात कार्यक्रम में हमारे मन की प्रशंसा करी सब है तो हम बहुत खुश हो गए। हमारे ग्राम पंचायत, हमारे समूह और हमारे गाँव के मन और हमारे ब्लॉक साजा ब्लॉक के जितना भी अधिकारी है तत्ना मन बहुत खुश हो गए रही साहब है ओला हमन हा धन्यवाद दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात में मिलेट्स कैफे के बारे में जब चर्चा किया गया, मन की बात में कही गई छत्तीसगढ़ से, तो हमें बहुत ही उत्साह हुआ, बहुत ही प्रेरणा मिल रहा है कार्य को और बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री की 100वीं मन की बात कड़ी में आज राजभवन छत्तीसगढ़ में एक शानदार समारोह का आयोजन किया था। इस विशेष स्क्रीनिंग में प्रदेश के सभी कोने कोने से आए पद्मश्री अवार्डी, विविध शिक्षाविद, शिक्षा क्षेत्र से सामाजिक क्षेत्र से जुड़े और फिल्म स्टार, फिल्म इंडस्ट्री से लोग जुड़े हैं। इन सभी की उपस्थिति में राजभवन में आज एक माननीय प्रधानमंत्री का 100वां एपिसोड मन की बात का यहाँ पे आयोजित किया गया। इस जगह एक प्रदर्शनी का भी लगाया गया है जो विविध विकास कार्यों की हमें आके एक झलक मिलती है इस प्रदर्शनी के माध्यम से। और राजभवन में इस समारोह के लिए
आयोजित सभी लोगों ने अपने अपने विचार किए मन की बात से, किस तरह से उन्हें प्रेरणा मिली है, किस तरह से महिलाओं को प्रेरणा मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से मुद्दे को उठाते हैं, सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं, गरीब तबके के लोगों को, वंचित तबके के लोगों को, लोगों से बात करते हैं, और जो एक उत्साह उन लोगों में उससे मिलता है, ये सारी बातें मन की बात के जरिए जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री करते हैं। राजभवन से मैं मनोज सोनोने, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को देश के साथ साथ विदेशों में भी सुना गया। भारत में केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्होंने लंदन स्थित इंडिया हाउस में मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान भारतीय मूल के अनेक लोग भी मौजूद थे। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ मन की बात कार्यक्रम का 100वां एपिसोड सुना। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुंबई में इस कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं सहित मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण देखा और सुना। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुना। उनके साथ बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक भी मौजूद थे। बालोद में भी मन की बात के 100वें संस्करण का प्रसारण हुआ। लोगों ने चौपाल लगाकर इस कार्यक्रम को सुना। कार्यक्रम के बाद दूरदर्शन समाचार से बात करते हुए लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम में जो भी बात करते हैं वह प्रभावित करता है। हमारे प्रधाननायक मोदी जी का एक बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों से कनेक्ट होने का। वे शुरू से ही इससे देशवासियों से कनेक्ट होते रहे हैं। इस प्रोग्राम के जरिए वे हमारे देश के ऐसे हीरो या ऐसे लोग जो हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं और लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, उनको इस प्रोग्राम के द्वारा पूरे देशवासियों से मिलाते हैं। सबसे ज़्यादा जो मोदी जी के मन की बात के 100वें एपिसोड में जो मेरे को मालूम पड़ा कि जो हिमालय का जो सफाई अभियान चलाया गया है वो काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि इन सब कामों में लोगों का ध्यान नहीं आता और मन की बात ही एक ऐसा माध्यम है जो इस पूरे चीज की ओर आम नागरिकों का ध्यान आकर्षण कराया है और लोग उस अभियान से जुड़ेंगे। देश में 100वां एपिसोड मन की बात में पूरा विश्व और देश में बहुत उत्साह है। आज छत्तीसगढ़ में बालोद में लाइव प्रोग्राम मन की बात प्रधानमंत्री कार्यालय से दिया गया, बहुत उत्साह और जनता बहुत उत्साह है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन के बात है, उनका सबसे बड़ी बात हमन बहुत मन में भाई से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटी मन पर प्रधानमंत्री हमार देश में अति सारा योजना लात है और हमन सब हमार बेटी मन ला आगे बढ़ाए की कोशिश करे थे आज के माँ बाप मन हा। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी मन की बात कार्यक्रम चौपाल लगाकर सुना गया। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण मौसम के मिजाज में फिर बदलाव आया है। प्रदेश भर में हल्की से मध्यम वर्षा हो रही है। राजधानी रायपुर में करीब 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। वहीं गंडई में 2 मिलीमीटर तथा भाटापारा खैरागढ़ में 1-1 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह भी राजधानी रायपुर में वर्षा की स्थिति बनी रही। इस बारिश के कारण बीते 4 साल के बाद अप्रैल में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश के बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव, बस्तर समेत कुछ अन्य जिलों में आंधी और तूफान के कारण बिजली के पोल टूटने, पेड़ों के गिरने और रबी की फसल को नुकसान पहुंचने की खबर है। अकेले बालोद जिले में ही पोल और तार टूटने के कारण 70 गांवों में ब्लैकआउट की स्थिति बन गई है। वहीं राजनांदगांव जिले में 14 लाख रुपए से अधिक के बिजली उपकरणों को क्षति पहुंची है। मौसम विभाग ने बुलेटिन जारी कर प्रदेश में अंधड़, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना के मद्देनजर बेमेतरा, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, कोंडागांव और कांकेर जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।